झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक, होप यू आर डूइंग वेल। एंड अभी टाइम हो रहा है 3:39, यानी कि सुबह के 3 बज चुके हैं एंड 3:30 बज चुके हैं। थोड़ा सा आधे घंटे लेट हूँ आज के टाइम में, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस ब्लॉग को। एंड काफी ज्यादा आज के इस ब्लॉग में हम लोग जानेंगे किस प्रकार से आप कोई भी चीज लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हैं, यानी कि हम लोग अगर आज याद करेंगे तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो चीज़ याद नहीं रहती है, लेकिन आप किस प्रकार से कौन कौन से टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप उनको याद कर सकते हैं, और साथ ही आपको थोड़ी आंसर राइटिंग में अगर दिक्कत हो रही है लिखने में तो वो भी आप लोग जानोगे इस ब्लॉग में। एंड साथ ही ये जो हमारा चैलेंज चल रहा है वो डेली आपको शाम को 5 बजे वीडियो आपको मिल जाती है, आप लोग शाम को 5 बजे डेली वीडियो देखने के लिए जरूर आएँ और साथ में कमेंट जरूर करें और आपका अटैम्प्ट कब है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला स्लॉट। एंड पहले स्लॉट में आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड 2 आवर्स एक समथिंग इसको कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद फिर हवन करेंगे एंड साथ में आगे दिनचर्या को स्टार्ट करेंगे। लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. I was a heartbeat with no sound till you came around. डेढ़ घंटे का स्लॉट लगाने के बाद फिर मैं तैयार हो गया एंड नहा के सबसे पहले अपने हवन में जाना है क्योंकि सुबह डेली मुझे पूजा करनी होती है। हम लोग आर्य समाज से बिलोंग करते हैं तो यहाँ डेली हवन होता है। हवन करने के बाद हमारा वाईफाई खराब हो गया, यानी कि इसको नेट सही करना था क्योंकि नेट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्लास मुझे भी करनी होती है, मेरी सिस्टर को भी करनी होती है और साथ में हम वीडियो वगैरह भी अपलोड करते हैं तो फिर दिक्कत आती है, तो इस वजह से फिर वाईफाई की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है और यहाँ नेटवर्क कम आ जाते हैं इस वजह से। तो सबसे पहले वाईफाई चेक किया मैंने, वाईफाई सही हुआ नहीं, उसके बाद फिर मैं ऐसे ही पढ़ा। जब रूम में आके देखा तो न्यूज़पेपर आ चुका था द हिंदू एंड आपको बता दूं अभी जो है समिट चल रही है ब्रिक्स की एंड ब्रिक्स की समिट में कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति भाग ले रहे हैं आप लोग बताना एंड अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया से अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर गए इसको एंड साथ में बात करूं तो यहाँ पर IMF को लेकर के एक न्यूज़ थी। हमें स्टूडेंट्स की एक सबसे बड़ी समस्या है, हम कुछ भी याद करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले 3 टाइम आपको रिवीजन करनी है उसकी। पहले आपको रिवीजन करनी है ऐसे ही नॉर्मली पढ़ना है, उसके बाद जब सेकेंड टाइम आप पढ़ोगे तो उस टाइम पर आपको जो है थोड़ी सी हाईलाइट करने है, थर्ड टाइम आप जब पढ़ोगे तो उसमें जो जो हाईलाइट किया है उसको अगर पढ़ोगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। इस प्रकार से अगर करोगे तो अच्छे से याद रख सकोगे। साथ में वीकली आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, वीकली जब हम रिवीजन नहीं करते ना उसकी तो इस वजह से फिर आप लोग भूल भी जाते हैं। न्यूज़पेपर कंप्लीट करने के बाद मैं आ गया पार्क एंड पार्क आके थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, स्ट्रेचिंग करी और साथ में मेडिटेशन करी। तो ये सब चीज़ कंप्लीट करने के बाद फिर जाऊंगा घर। वैसे मैं आपको बता दूं ज़िंदगी में ना कभी हार नहीं माननी है, अगर हार मानोगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं। इस वजह से डेली एक्सरसाइज, डेली सब कुछ अपना दिनचर्या फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हुए चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपने एक नई जर्नी को। स्टडी के साथ साथ और एक्सरसाइज के साथ साथ एक ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। ब्रेकफास्ट में आप काफ़ी अच्छा ले सकते हैं, आप जो भी प्रोटीन वगैरह ले सकते हैं या फिर आप पनीर भी वगैरह ले सकते हैं। वैसे मैं कभी कभी थोड़ा चेंज करता रहता हूँ। आज के ब्रेकफास्ट में रहने वाला है बनाना शेक एंड साथ में मैंने 1/2 लीटर दूध लिया एंड बनाना लिया। अब आप लोग जानते हैं बनाना शेक कैसे बनेगा, तो मिक्सी हमारे पास रखी हुई थी उसमें हमने केले डाले एंड केले डालने के बाद फिर इसमें दूध भी डाल देंगे। दूध डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे एंड साथ में अगर इसमें शुगर वगैरह मिलाना होगा तो उसको भी मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए फिर दूध डालते हैं एंड उसके बाद फिर शुगर थोड़ा सा डालेंगे एंड इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा जो बनाना शेक है वो तैयार हो जाएगा एंड बनाना शेक बनाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का बनके तैयार हो गया एंड इसको हम लोग सब लोग मिलके पी लेंगे एंड ये डेली का एक अगर आपका अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाए तो अच्छा रहेगा। छोटी सी जिंदगी और लाइफ को एंजॉय करते हुए जिए, कभी भी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो इसी वजह से मैं भी पढ़ाई के साथ साथ कुछ थोड़ा सा हारमोनियम भी बजा लेता हूँ।
बाय द वे मैं आपको बता दूं, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, यानी खराब इस वजह से है कि मेरे मुंह में छाले हो चुके हैं एंड छाले की दवा फिर मंजीत पे मंगाई मैंने। मंजीत पे दवा मंगाने के बाद फिर मैं इसको खाऊंगा, क्योंकि आपको बता दूं छाले पता नहीं क्यों हो जाते, गर्मी से होते क्यों होते हैं। वैसे अभी इस टाइम पर ज़्यादा गर्मी तो खैर नहीं है, लेकिन तब भी पता नहीं क्या हो गया है। गोली खाने के बाद एंड जितने भी टैबलेट्स वगैरह हैं सब कुछ खाने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। एंड अभी स्लॉट है मेरा पॉलिटी का, एंड इसमें मुझे पढ़ना है कॉलिशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि किस प्रकार से कब कब कॉलिशन हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपसे क्वेश्चन, इंडिया में सबसे पहले कब कॉलिशन गवर्नमेंट आई थी एंड इसका मतलब क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो। एंड आपको लास्ट में कुछ अच्छा बताने वाला हूँ एंड आपको कुछ गिफ्ट देने वाला हूँ लास्ट में, तो आप लोग बने रहिए। कॉलिशन गवर्नमेंट वैसे काफ़ी ज़्यादा सही होती है, नेगेटिव पॉजिटिव अगर परस्पेक्टिव अगर उसके देखेंगे तो पॉजिटिव परस्पेक्टिव काफ़ी ज़्यादा है, नेगेटिव तो ज़्यादा कुछ है नहीं लेकिन है, थोड़े बहुत हैं लेकिन कोई नहीं उतना चलता है। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। What if the years turn into gold? The longer we live, yeah, the more we grow. We could be 100 miles apart, but it's never far. Yeah, you show me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. So guys, अभी हमें वीडियो शूट करनी है एंड बुलेटिन काफ़ी टाइम हो चुका है, यानी हल्का हल्का सा अंधेरा हो रहा है एंड शाम हो चुकी है। रात को इसकी एडिटिंग होगी तो इस वजह से सेटअप आप लोग देख सकते हैं, ये है ग्रीन स्क्रीन जिस पर हम शूट करते हैं एंड ये है बैग मतलब कोट, मेरे पास दो कोट हैं वैसे तो, एक ब्लू कलर है एक ये है, तो आज मैं ब्लू तो नहीं पहनूंगा लेकिन इसको पहनूंगा मैं आज। तो ये है कोट जिसको आज पहनना है मुझे, क्योंकि आज की ड्रेस में ये है एंड वाइट शर्ट अंदर पहन लूँगा। चलिए पहनते हैं, मिलता है जो कुछ भी करोगे, खैर टाइम बर्बाद तो होता ही है हल्का सा, लेकिन ये है कि अगर सक्सेस मिल गई ना तो बहुत पैसा कमाएंगे ज़िंदगी में, बहुत आगे जाएंगे, बहुत लोगों की हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की बुलेटिन को। तो महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, यानी कि आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव होंगे और जिनकी तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दिया। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था वही क्वेश्चन सेम मैंने लिख लिया, कॉलिशन ऑफ गवर्नमेंट यानी कंट्रीब्यूशन इन इंडिया एंड पॉलिटिक्स एंड साथ में डिस्कस करना है नेगेटिव एंड पॉजिटिव परस्पेक्टिव। तो चलिए इसकी आंसर राइटिंग करते हैं एंड ये क्वेश्चन है इसको आंसर राइट करता हूँ। एंड आप लोग जानते हैं डेली एक आंसर राइटिंग अगर आप लोग करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। मुझसे पूछा था किसी ने कि आंसर राइटिंग कैसे करें, तो आंसर राइटिंग की बात करें तो आप डेली एक आंसर लिखते रहें एंड साथ में शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी वोकैबुलरी को लेकर के, एंड साथ में अगर आपने मीडियम चेंज किया है अपना तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मैं खुद झेलता हूँ अभी भी, मुझे प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है यानी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वैसे आप कर सकते हैं, क्यों नहीं, सब कुछ कर सकते हैं, बस आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप ये मत सोचिए कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझसे ये नहीं वो नहीं हो रहा है, सब कुछ हो सकता है अगर आप मेहनत करोगे तो। लेकिन अगर आप हार मान के बैठ जाओगे तो नहीं कुछ कर सकते, इस वजह से हार मत मानो एंड चलते रहो। तो आज का आंसर कंप्लीट हो चुका है एंड कंप्लीट आंसर करने के बाद फिर मुझे और भी काम करने थे तो उन काम को करूंगा मैं, क्योंकि आज का मेरा जो टारगेट है वो फुल्ली कंप्लीट होने वाला है एंड टारगेट कंप्लीट करने के बाद फिर आगे मिलते हैं आप सभी से। तो अभी मैं बता दूं, अभी मुझे स्क्रिप्ट थोड़ी, दोस्तों हमारी एक वेबसाइट है rltvindia.com जो कि मतलब एक न्यूज़ वेबसाइट है जिसमें इंटरनेशनल न्यूज़ और साथ में इंडियन पॉलिटिक्स की न्यूज़ हम लोग मतलब शेयर करते हैं। वैसे मतलब वेबसाइट जो है एक लड़का मैंने टीम में रख रखा है तो वो संभालता है एंड मुझे, मैंने आज ब्रिक्स का जब पढ़ा ना आर्टिकल उसमें न्यूज़पेपर में, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एक आर्टिकल मैं भी डाल देता हूँ, तो ब्रिक्स के ऊपर मैंने एक आर्टिकल डाला। एंड साथ में आपको बता दूं कि अभी जो हम लोग जो पढ़ते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी प्रकार से मैंने आर्टिकल लिखा वेबसाइट पर। गाइज रात के 11 बज चुके हैं एंड 11:30 बजने वाले हैं थोड़ी देर में, मतलब 11:15 तो होने वाले हैं। तो मैंने वेबसाइट पर दो आर्टिकल लिख दिए ब्रिक्स को लेकर। आप लोग जानते हैं ब्रिक्स की सबमिट होने वाली है 16 भी एंड ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड अभी टाइम 11 बजने वाले हैं, यानी कि 11:15 तो हो ही गए मान लो। तो अगर वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट आप जा सकते हैं rltvindia.com और ये हमारी वेबसाइट है और इस पर क्लिक करके देखा तो ये वाली मैंने डाल रखी है आर्टिकल। ये आर्टिकल मैंने अभी तुरंत लिखा है, एक ब्रिक्स के ऊपर दो आर्टिकल लिखे हैं। ठीक है, क्या है ब्रिक्स सम्मिट, जानिए क्यों घबराया अमेरिका, क्यों भारत पहुँचा करने पहुँचा नेतृत्व। ठीक है, और उसके बाद ये किए पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई चर्चा, हुई ये चर्चा। ये दो आर्टिकल मैंने इस पर लिखे हैं
एंड ऐसे आर्टिकल हैं वो टीम डालती है, बाकी मैं नहीं डालता। अभी मैंने दो आर्टिकल ऐसे लिख दिए हैं शाम के टाइम में। वैसे आप लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ, मतलब लिखने में पता चलता है थोड़ा सा आपकी स्किल बढ़ेगी। न्यूज़ वेबसाइट है ये, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं अभी। अब देखते हैं कुछ पैसा वैसा कमाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ यार टाइम हो चुका है, चलता हूँ मैं सोने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।